नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो बहुत ही काम का वीडियो है, और एक पौधे से हजारों पौधे आप इससे बना सकते हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत पौधा है जिसका नाम है अगेव। ये अगेव प्लांट है दोस्तों। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम जो बताने वाले हैं अगेव पौधे के बारे में, वो आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा वीडियो, वरना आप एक अहम जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए, ये पौधा आपके गार्डन में सालों साल चलने वाला है, और एक पौधे से आप हजारों पौधे बना सकते हैं। वो क्यों और कैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, और अगर आपकी छत पे बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं तो इस पौधे को आप जहाँ पर से बंदर ज़्यादा चढ़ते हैं कूदते हैं वहाँ पर आप लगाइए। इसके जो ये कांटे हैं उनके चुभते हैं तो वहाँ से वो आना बंद कर देते हैं। ये तो रही एक फ़ायदे की बात, और दूसरे फ़ायदे की बात ये है कि ये पौधा परमानेंट प्लांट है, आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा, और बहुत ज़्यादा पत्तियों वाला खूबसूरत पौधा है जो अपने आप में देखिए इतना घना हो जाता है। और जब ये पौधा मैच्योर हो जाता है तो इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत सारे किनारे किनारे निकले हुए हैं। मैंने बहुत सारे पौधे अपने फ्रेंडों को दिए भी हैं, ये देख सकते हैं छोटा सा पौधा निकला हुआ, चारों तरफ इसमें निकले हुए हैं। तो ये इस पौधे के फ़ायदे मैंने आपको बता दिया, और तीसरा फ़ायदा यह है कि ये बिना किसी खाद पानी के चलता है, परमानेंट प्लांट है, बहुत सालों तक आपके उसमें रहेगा और बहुत सारे बेबी प्लांट देता है। बल्कि आप जो बेबी प्लांट लगाते हैं और 4-5 महीने के बाद वो मैच्योर हो जाता है तो उससे भी बेबी प्लांट निकलने लगते हैं। लेकिन ये हमारा मदर प्लांट है, मैंने और भी पौधे लगाए हैं, अपने फ्रेंडों को दिए हैं। तो मदर प्लांट मैं नहीं हटाती हूँ कभी भी किसी भी पौधे का, क्योंकि मदर प्लांट से हमारा ये बेनिफिट होता है कि आगे चल के वो उतनी खूबसूरती नहीं दे पाता है पत्तियों की, लेकिन बेबी प्लांट हमेशा देता रहता है। अगर आप उस मदर प्लांट को ऊपर से काट देंगे, जड़ बनी रहेगी, तो उस जड़ से भी बेबी प्लांट आपको मिलते रहेंगे। इस वजह से ये पौधा हमारे गार्डन के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैंने लगाया भी है, अपने दोस्तों को भी दिया है, और मैं ये चाहती हूँ आप लोग भी लगाएँ ताकि आपकी छत में बंदर ज़्यादा उपद्रव ना करें। जहाँ जहाँ ये पौधा, इसको जब बेबी प्लांट निकलने लगे तो आप इसको निकाल करके कई जगह लगा सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में ये चल जाता है। देखिए, एक बेबी प्लांट की ये पत्ती रही, ये देखिए उधर से निकली हुई है, और ये रहा, उधर से भी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस पौधे को लगाने के कई फ़ायदे हैं, कम केयर में चलने वाला। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि कम केयर में चलने वाला, ख़ासतौर से ये पौधा बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना लगाएं बिजनेस, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग गार्डनिंग सीखते हैं उनके लिए ये पौधा बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप अगर नए हैं गार्डनिंग में तो इस पौधे को आप लगाइए। एक पौधा अगर आपको कहीं से मिल जाए या परचेस करके लाते हैं तो अनेकों पौधे बनाकर आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं। बहुत खूबसूरत, देखिए कितना खूबसूरत पौधा है, और अपनी पत्तियों के नाम से बहुत थिक पत्तियां हैं इसकी, ये देख सकते हैं आप, बहुत टाइट पत्तियां हैं इसकी। आप ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये मुड़ती हैं, ठीक है, नहीं तो ये बहुत सुंदर पत्तियां ही निकलती हैं। बाकी ये हमारे गार्डन में 1 साल से लगा हुआ है पौधा, अभी तक इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, और मेरे ख्याल से होगी भी नहीं। तो दोस्तों, इसे आप अपने गार्डन में ऐड करें ताकि आपको जो इसके फ़ायदे हैं वो मिल सके। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए
इस पौधे के बारे में या और किसी पौधे के बारे में तो आप हमें लिख करके ज़रूर बताइए, मैं सभी के आंसर दूंगी। ओके बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।